हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सबसे पहले आप इस देखो, आज हिंदू हिंदू भक्त हिंदू के विरोध करे छे, वो हिंदू सबके लगे वीडियो है, लेकिन ज्यादा से इस बुजुर्ग महिला ने अपनी वीडियो में 3 वीडियो क्लिप जो के फेक है उसको एडिट करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। सबसे पहली वीडियो जिसमें आग लगी हुई है, ये महिला कह रही है कि ये हिंदू का घर है, मंदिर है जिसमें आग लगी हुई है। हालांकि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये कोई मंदिर नहीं है या किसी हिंदू भाई का घर नहीं है, बल्कि ये एक मुसलमान ही का घर है जिसमें आग लगी हुई है। दूसरी वीडियो जिसमें औरत के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ भी बंधा हुआ है, यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है भाई, किसी वीडियो की या गाने की शूटिंग चल रही है, लोग शूटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गौर से। और क्या बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू औरत को बांधकर मारा जा रहा है, ये भी फेक है। तीसरी वीडियो जिसमें औरतें 2 औरत को पिलर से बांध देती हैं और लान तान करती है, वो 2 औरतें चोरी करके पकड़ी गई जिसके बिना पर औरतें उसको बांध कर लान तान कर रही थी, ये भी मुसलमान ही औरत है, कोई हिंदू नहीं है जिसको पिलर से बांधा हुआ है, और किसी हिंदू पर बांग्लादेश में जुल्म नहीं हो रहा है। कहां की वीडियो लाकर ये महिला अपनी वीडियो में डालती है और कहती है कि बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदू पर जुल्म किया, औरतों को बांध कर मारा तो ये किया। बताइए मुसलमानों से कितनी नफरत है। ये सारी वीडियो फेक है, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। यार क्यों मुसलमानों से तुम इतनी नफरत करते हो? मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे कहने से हकीकत थोड़ी ना बदलेगी। जो हक है वो हक ही रहेगा, जो बातिल है वो बातिल ही रहेगा। इसीलिए इस्लाम और मुसलमान के पीछे मत पड़ो। जितना तुम इस्लाम और मुसलमान के पीछे पड़ोगे उतना ही इस्लाम और मुसलमान आगे बढ़ता चला जाएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि तुम लोगों की जबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, वो है मुसलमान और इस्लाम, और यही हम लोगों के लिए खुशी की बात है। इस्लाम जिंदाबाद।